हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आप लोग मुझसे मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे सवाल करते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्लासेंटा को लेकर, तो मेरी जो ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्लासेंटा थे वो दोनों बच्चों के अलग अलग थे एंड दोनों बच्चों की जो थैली थी वो भी अलग अलग थी, जिसका रीजन था कि जो मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी थी वो डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक थी, जो कि मेरे नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी कि एक जैसे दिखने वाले नहीं हैं। और मेरी जो प्लासेंटा की पोजीशन थी वो एंटीरियर अपर प्लासेंटा था। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब टाइम बढ़ता है तो बच्चेदानी हमेशा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसका एक पार्ट होता है अपर एंड एक पार्ट होता है लोअर। तो जो मेरा प्लासेंटा था वो अपर पार्ट में था, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में था। और मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, जिसका रीजन था मेरे दोनों बच्चे लास्ट टाइम पे उल्टे हो गए थे, यानी कि दोनों बच्चों ने अपने सर ऊपर और पैर नीचे कर लिए थे एंड इसके अलावा वो थोड़े से तिरछे भी हो गए थे। और मेरा जो सी सेक्शन हुआ था वो प्लानिंग वाला सी सेक्शन था, यानी कि इमरजेंसी वाला सी सेक्शन नहीं था। और मैंने जो अपना सी सेक्शन करवाया था वो पूरे 37 वीक्स के बाद ही करवाया था। 37 वीक्स के बाद जो मैंने ब्लड टेस्ट कराया था उसमें जो ब्लड था वो 12.5 था, यानी कि बिल्कुल सही था। और जो ट्विन्स प्रेगनेंसी में मेरी जो लाइन थी वो बिल्कुल सीधी थी एंड डार्क कलर की थी। और शुरुआत में मुझे जो बेबी मूवमेंट्स थी वो मुझे लेफ्ट साइड में ज्यादा होती थी एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया फिर मुझे नाभि के ऊपर ज्यादा फील होती थी। और मेरी बॉडी में एंड मेरे हाथ पैरों में बिल्कुल भी सूजन नहीं आई थी। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी में 4 बार अल्ट्रासाउंड कराए थे एंड 2 बार ब्लड टेस्ट कराया था। और जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें मेरी ट्विन्स प्रेगनेंसी शो नहीं की थी और उसमें सिर्फ एक ही बच्चे के बारे में दिया था। और जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड था उसमें मेरी बेबी की जो फेटल हार्ट रेट थी दोनों की वो 147 एंड 145 थी। एंड उसके बाद जो थर्ड अल्ट्रासाउंड था उसमें दोनों बेबी की 153 एंड 155 थी। एंड तीसरे अल्ट्रासाउंड में 159 एंड 155 थी। और डिलीवरी के बाद मेरे दोनों बच्चों का वेट था, उसमें से एक बच्चे का 2 किलो 500 ग्राम और एक बच्चे का 2 किलो 300 ग्राम था। और मुझे दोनों ही ट्विन्स बेबी बॉय हुए हैं। स्टार्टिंग में मुझे महक वगैरह लगती थी और मुझे वोमेटिंग जैसा फील होता था, बट मुझे वोमेटिंग वगैरह नहीं आती थी और मुझे मसालों वगैरह की महक बिल्कुल नहीं लगती थी। कुछ सब्जियां मुझे पसंद आती थी एंड कुछ नहीं भी आती थी। और मुझे शुरुआत में बहुत ज्यादा चटपटा अच्छा लगता था और मुझे 6 मंथ के बाद मीठा बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था। आपके एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकती हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।